दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं एरोमा थेरेपी के बारे में, यानी कि वो थेरेपी जिसमें हम प्रयोग करते हैं एसेंशियल ऑयल्स का, परफ्यूम्ड ऑयल्स का। ये एसेंशियल ऑयल्स ना केवल आपके वातावरण को खुशनुमा बना देते हैं, बल्कि आज एक तरह से हेयर केयर में, स्किन केयर में, यानी कि हेल्थ केयर में इनकी इम्पोर्टेंस जो है बहुत अधिक देखी जा रही है। साथ ही साथ अनेकों रोग ऐसे हैं जहां पर इन एसेंशियल ऑयल्स का हम इस्तेमाल करके हम जो है वो क्योर यानी रिलीफ जो है वो पेशेंट्स को दे रहे हैं। आज हम देखते हैं कि कैसे इन एरोमाथेरेपी या एसेंशियल ऑयल्स की मदद से हम अपने बालों को स्वस्थ रख सकते हैं, यानी कि बालों का गिरना रोक सकते हैं, उसमें लगने वाली रूसी यानी कि डैंड्रफ को हम रोक सकते हैं, बालों का ड्राइनेस इन जनरल हम रोक सकते हैं और बालों को एक हेल्दी और शाइनी लुक दे सकते हैं। तो हमारे साथ आज हैं वंदना जी, ये ब्यूटी एक्सपर्ट हैं। वंदना जी, सबसे पहले हम ये हमारे पास एक पेशेंट हैं जिनको हम बादाम तेल और इसमें हम लेवेंडर, मैं नाम लूँगा लेवेंडर ऑयल, क्योंकि ये किसी भी स्किन टाइप को सूट करता है, या रोजमेरी ऑयल का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, बाज़ार में बहुत ही सुलभता से आपको प्राप्त हो सकता है। तो ये बादाम तेल में हमें कुछ बूंदें जो हैं ये हम लेवेंडर ऑयल की मिक्स करेंगे एंड ये हमारे पास एक ऑयल तैयार हो गया जिसका प्रयोग हम जो है एक तरह से मसाज हेतु करेंगे। हमारा जो स्काल्प है इसकी देखरेख अक्सर हम नहीं कर पाते हैं, वो हमारा बेस होता है किसी भी हेयर प्रॉब्लम का, यानी कि सब हेयर प्रॉब्लम जो है वो स्काल्प से शुरू होती है। यदि उसको प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिलता तो हम देखते हैं हमें डैंड्रफ हो जाता है, हमारे बाल ड्राई होने लगते हैं और ये इस तरह के ड्राई हेयर जो होते हैं उनमें गिरने की टेंडेंसी होती है। तो हम लगातार देखते हैं कि हेयर लॉस की प्रॉब्लम जो है, आज हर दूसरे व्यक्ति से बात करते हैं तो किसी तरह की हेयर प्रॉब्लम जो है उसको रहती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम से बचने के लिए हम इसी ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ऑयल को आप उंगलियों के माध्यम से स्काल्प पे लगाएंगे और लगभग 5 मिनट के लिए जो है अगर आप अपने बालों को, अपने स्काल्प को जो है अपने फिंगर से रगड़ सकें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इससे ना केवल स्काल्प जो है उसकी आर्द्रता यानी कि उसकी पोषण जो है वो उसको पोषण मिलता है, बल्कि साथ ही साथ जो है हेयर के रूट्स जो होती हैं उसको भी एक अलग तरह का जो है स्ट्रेंथनिंग मिलती है। आप देखेंगे इस तरह का प्रयोग अगर आप वीक में एक दिन भी समय निकाल के करते हैं तो आप अपने बालों को बहुत ही स्वच्छ, सुंदर, लंबा, घना, काला जो है वो मेंटेन रख सकते हैं। सो इस तरह 5 मिनट के लिए आपको जो है अपने स्काल्प को रगड़ना है। आप इस तेल के माध्यम से, तेल फिर से मैं नाम देना चाहूँगा, रोगन बादाम में हमने जो है थोड़ी सी बूंदे लेवेंडर ऑयल जो कि एक एसेंशियल ऑयल है उसके मिला के हमने 5 मिनट के लिए रब किया। इसके बाद आप जो है एक गर्म पानी लेंगे वंदना जी, और उसमें जो है गर्म पानी में आप चावल को भिगो करके एक तरह से हम स्टीमिंग हम कर रहे हैं बालों की। तो ये हम जो है गर्म पानी से भिगा टावल जो है वो हम इस स्काल्प पे बांधेंगे और इसको जो है लगभग 5 से 10 मिनट तक जो है आप यहाँ पर जो है रहने देंगे। और इसके बाद यू कैन वॉश योर हेयर नॉर्मल, आप कोई भी माइल्ड शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं और उस शैम्पू में भी अगर हो सके तो 3-4 बूंद अगर आप लेवेंडर ऑयल की मिलाते हैं तो आप देखेंगे कि आपके बाल जो हैं उनको बहुत अच्छा पोषण मिलता है, वो हमेशा स्वस्थ पड़े रहते हैं। वो लोग जो कंडीशनर इस्तेमाल करना चाहते हैं वो भी नोट कर सकते हैं, उनको थोड़ा सा बादाम तेल, थोड़ी सी ग्लिसरीन और 3 बूंदें जो हैं फिर से किसी एसेंशियल ऑयल जैसे लेवेंडर ऑयल या रोजमेरी ऑयल की जो है अगर आप मिला के एक कंडीशनिंग आप करते हैं, उस कंडीशनिंग को लगभग 10 मिनट के लिए आपको जो है फिर से अपने सिर पर रोकना है, अपने स्काल्प पे लगा रहने देना है। वहाँ पर फिर आप इस तरह से जो है 5 से 10 मिनट के लिए स्टीमिंग कर सकते हैं गर्म पानी और टावल का इस्तेमाल करके एंड फिर आप जो है नॉर्मल एक माइल्ड शैम्पू से जो है अपने बालों को रिंज करें यानी कि धोएं, तो आप देखेंगे कि आपके बाल जो हैं उनमें रहने वाले किसी भी तरह की जो खुश्की है यानी कि ड्राइनेस है वो खत्म हो जाएगी, बालों को अच्छा पोषण मिलेगा, उनका झड़ना यानी कि गिरना रुक जाएगा और आपके बाल जो हैं बहुत ही सिल्की और शाइनी हो जाएंगे और लंबे समय तक काले भी बने रहेंगे। देखते हैं कैसे इम्पैक्ट आया है इस तरह की मसाज और स्टीमिंग का। आप देख सकते हैं बालों में, वंदना जी देखिए इनके बाल बहुत खुश्क और डैमेज्ड हेयर जिन्हें हम बोलते हैं वैसे लग रहे थे, लेकिन इससे इस तरह की ऑयलिंग से जो है बालों में जो है एक अलग तरह की शाइनिंग हम देख सकते हैं। और इस तरह अगर ये लगातार प्रयोग करते जाएंगी तो इनके बाल जो है हमेशा ही अच्छे बने रहेंगे और जो है उनका काला होना भी जो आप देखेंगे ग्रेइंग ऑफ हेयर जिसे हम बोलते हैं वो बहुत स्लो डाउन हो जाएगा, बालों को अच्छा पोषण मिलेगा तो उनका गिरना भी जो है तत्काल ही रुक जाएगा।
सुबह कोई भी व्यक्ति जो अपने बालों को हमेशा स्वस्थ रखना चाहता है, सुंदर रखना चाहता है, काला और घना रखना चाहता है, वो ये एरोमा थेरेपी यानी कि एसेंशियल ऑयल्स का यूज़ करे और वो देखेगा कि उसके बाल हमेशा उसके उसकी चाहत के अनुसार उसके सिर पर बने रहेंगे।